बोला सर आप मेरी बात सुनिए, बोल रहे हैं वहां से आप क्या, मैंने बोला आप क्यों जहालत कर रहे हैं सर, बोला आपने मुझे जाहिल बोला, मैं तो तहसीलदार हूँ। मैंने बोला सर उसका क्या मतलब, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आपको देखना है पब्लिक क्या बोल रही है, आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेट है, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है आपके क्या पावर्स हैं, मगर आपको ये भी समझना चाहिए हम तो लोगों के लिए है, लोगों के साथ क्या बदतमीजी किसी भी सर्विस रूल्स में दी गई है इजाजत इस चीज की, पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक एक बच्चा जानता है जब आप एक औरत के साथ बदतमीजी करते हो वो तो हैरेसमेंट में आता है और उनकी आदत बन गई है, जहां पे भी वो जाते हैं उनको लगता है मैं वहां का मालिक हूँ, मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। ये जो लोग बोल रहे हैं मिशन कहा है माफी, तो मैंने जरूरत बस उनको बस एक बात बोलिए, आई फिर सोच उमन में जाए ऐसे चोइन मोए चोइन भी तुमन से अगर कहा इतना का कहे तो आप उसको किस प्रिज्म में लोगे। फिर वो धमकी देते हैं ताकि तमाशबीन थे या बाकी लड़के खड़े थे, इनको उठाओ जी, इनको FIR लगाओ जी, ये क्या तरीका है अगर आप लोग, मुझे बोला 6 महीने अंदर आपको PSA दे PSA, हाय हम ये तो रूल है यहाँ पे, जो भी हक की बात लोग कभी नहीं जुड़ेंगे हक के साथ, और कश्मीर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स है सर जो हमेशा अननेसेसरी यूज ऑफ एक्शन करते हैं, अननेसेसरी यूज ऑफ फोर्स करते हैं। प्लीज मैं आपसे कहती हूँ फीस अभी लीला, मुझे इस चीज से बाहर निकाले, लेकिन इनकी बात सुनिए, इनके लिए करिए कुछ सर। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है वो मुझे ये बोल रहा है कि आप लोग सियासत चमकाने की कोशिश करो, पहली बात मैं क्लियर करूं, अभी तक आज तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, आई एम अ लॉयर, मैं एक रिप्रेजेंट करती हूँ सोसाइटी को, सोशल वर्क, जब आप यहाँ ADC नहीं थे, इससे पहले भी जो ADC थे यहाँ बाहर आपके ऑफिस के बाहर कूड़ा करकट जमा होता था, रिकॉर्ड में है, मैंने उस टाइम भी प्रोटेस्ट किया कि क्रीम याद सदन सही महकम जी यादत मत रोए तो ये छोट की है। अब रही डंपिंग साइट्स की बात, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन डंपिंग साइट या तो किसी दरिया के किनारे ढूंढती है या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे ढूंढती है या रेजिडेंशियल एरिया पे। सर हमारे पास यहाँ पे सोपोर में या आउटसाइड सोपोर ऐसे भी जगह है जो बंजर है, जहाँ एनवायरमेंट को भी खतरा नहीं है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमेशा जानबूझ के ऐसी जगह दी जाती है डंपिंग साइट पर जरूर लोग एतराज करें। आज मैं इन लोगों के लिए मांग रही थी, मैंने इनको कोई, मैंने आप लोगों को कोई वोट मांगा है? नहीं, कोई इलेक्शन ही नहीं चल रहा है सर। वहाँ तहसीलदार साहब आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप लोग यहाँ अपनी सियासत चमकाने आते हो, मुझे इनसे कोई ये, मैं इनके मोहल्ले में कभी जाऊंगी ही नहीं वोट के लिए, आप ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो मोहल्ला अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता मुझे वहां के वोट्स भी नहीं चाहिए। ये डाले उनको वोट जिन्होंने, जिनको आज तक डालते आए हैं, बिशन वोट खतर सर का गौर लगा, इनके कहने पे मैं वहां गई। अब आप सर वहां पे आते, मैंने कल आपका नाम भी मेंशन किया और बार बार मैंने यही कहा कि मैं ADC साहब से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि मेहरबानी करके सर इस एड्रेस को इशू कीजिए। लेकिन जहां तक तहसीलदार साहब की बात है, वो कहते हैं MC को क्या है इसके साथ।